अलहमदल्ह वसलम वल रसोल्ला हरसकुम फ़त हरसकुमश तुम नादरीन खैर मक़दम है आपका इस्लाम में नौजवानों के जिनसी मसाइल के इस प्रोग्राम में जिनसी मसाइल की दुनिया में हनी मून एक बड़ा अच्छा खूबसूरत और प्यारा सा नाम है अरब लोग इसी का नाम शहर असल रखते हैं बस लोगों का ख्याल है कि हनमून कहना मनाना ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। बाज़ दूसरे लोग कहते हैं कि जायज़ है बज़ लोग इस्लाम के ऊपर मोतरज होते हैं कि वो हर एक चीज़ में टांगड़ा देता है लेकिन भाई वो टांगड़ाने की बात नहीं और ना इस्लाम में कोई भी मुनासिब जायज़ दरोज़ सही चीज़ गलत है हनीमून से कोई एलर्जी नहीं है इस्लाम को और ना उससे कोई मना करता बस वो चंद एहतियाते हैं जिसको करने का वो हुक्म देता ख़ास तौर से हमारे जैसे ज़माने में माहौल में ख़ास तौर से शहरी माहौल में जहाँ घर छोटे छोटे होते हैं अफराद खाना ज़्यादा होते हैं ऐसे में किसी तन्हाई की जगह का मिल पाना दुश्वार होता है नया जोड़ा मजबूर होता है कि वो कहीं दूसरी जगह जाए इसके लिए वो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में किसी होटल में जाकर अपना कुछ वक्त शादी के बाद गुजारना चाहते हैं इस्लाम को इससे कोई एतराज़ नहीं है कोई एलर्जी नहीं है इस्लाम तो सिर्फ ये कहता है आप हनीमून मनाएं शहर के बाहर जाएं होटल में रहें किसी भी चीज़ में लेकिन एक बात याद रखें कि आप खुद को और अपनी हकीकत को ना भूल जाएं। शादी करके आप बाहर जाएं, बेपर्दा गलत अंदाज में अपने प्यार का इजहार करते फिरें इस्लाम इसका मुखालिफ है ये नहीं चाहता ऐसे में कितने सारे हादसा कितने लोगों के साथ हो चुके हैं वो आए दिन होते रहते हैं अखबारों में टी वी पर ख़बरें आती रहती हैं एक नौजवान अपने शरीक हयात को लेकर दूसरी जगह गया उस शहर को ज़्यादा जानता नहीं था किसी होटल में जाकर उसने किराए पर कमरा ले लिया और फिर दोनों निकले सज कर बन संवर कर बगैर पर्दा और फिर उनके साथ हादसा पेश आ गया लड़के को मारा पीटा और लड़की को उठाकर कुछ लोग ले गए और उसकी बेहुरमती की इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए इस्लाम इसी का मुखालिफ अभी उनकी ज़िंदगी अभी बसी भी नहीं थी कि उजड़ गई सारी ज़िंदगी उनके लिए ये हादसा तकलीफ़ परेशानी अजियत का बास बना रहेगा ज़िंदगी भर वो शौहर अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेगा और वो लड़की इस अज़ियतनाक पहलू को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी ऐसी सूरत नाख्तियार की जाए आप जाते हैं घर से बाहर घर के सारे अफराद रहते हैं जाहिर है शादी में गहने वगैरह काफ़ी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान का ही रिवाज ससुराल से भी कुछ गहने आते हैं मैके से भी बहुत सारे गहने मिलते हैं और नई नवेली लड़कियां सारे गहने पहनकर बाहर निकलकर दूसरों को दिखाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे में घर का ख़ानदानी माहौल जब रहता है तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से चल जाती हैं लेकिन घर के बाहर जहाँ उनका सिर्फ़ शौहर उनके साथ है उस शहर को जानते भी नहीं उस शहर में उनकी कोई वाकिफ तारी भी नहीं है ऐसे में सारे जेवरात गहने पहनकर वो बाहर जाएंगी और निकलेंगी और बेपर्दा होंगी तो उनके साथ ऐसे हादसा तो बहुत मुमकिन है क्योंकि हमारे यहाँ जो सूरत हाल है अमन व अमान की वो बहुत ही मखदूश है इस्लाम इससे रोकता है इससे मना करता है वैसे आप जाते हैं किसी जगह यहाँ के ख़ास माहौल यहाँ की ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी में छोटे छोटे मकानों का होना एक ज़रूरत बन गया है हनीमून के नाम से शहर से बाहर जाकर ज़िंदगी की इब्तदा के कुछ अयाम गुजार लेना तो उससे इस्लाम नहीं रोकता है ना उससे मना करता है लेकिन पाबंदी आप अपने आप को ना भूलें आप क्या है आपकी तहज़ीब क्या है आपका तमद्दुन क्या है आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं आप किस कौम के फ़र्द हैं ये बातें सब आपके जहन में रहनी चाहिए और फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का ये दौर गुजारें इस्लाम को इससे कोई एतराज़ नहीं एक बात और जब बात निकली है हनीमून की निकली है मुबाशरत की तो हमने एक आयत करीमा आपको सुनाई थी अल्लाह इज़्ज़त फरमाता है नसाकुम हर फातु हर सकुमशी तुम्हारी खेतियाँ हैं अपनी खेती में आप जैसे चाहो आओ मना नहीं है लेकिन ये आयते करीमा कह क्या रही है क्या मतलब है इसका क्या इसका मतलब ये है कि आदमी औरत को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है जब उसने खेती बता दिया तो जैसे चाहे इस्तेमाल करे जहाँ चाहे इस्तेमाल करे क्या ये मतलब है नहीं ये मतलब उसका हरगिज़ नहीं है क्यों इसलिए कि इसका शान नजूल एक खास माना और मतलब को बतलाता है और यह आयत करीमा एक ख़ास वाक़े के तहत नाजुल हुई है महाजरीन जब मदीना पहुँचे तो यहाँ से लुट पुट कर गए थे वहाँ पर जाकर उन्होंने ज़िंदगी इख्तियार की बहुत सारे महाजरीन ने अनसार की औरतों से शादी कर ली बहुत सारे महाजरन के पास उनकी बीवियाँ थीं जो मक्के ही शायद थी उनके यहाँ कोई मसला था नहीं मक् की एक माशरत का अंदाज़ अलग है और अंसार की माशरत का अंदाज़ बिल्कुल अलग है यहाँ मदीने में यहूद रहते थे बड़ी तादाद में तीन बड़े कबीले थे इनके असर से अंसार में भी बहुत सारी ऐसी रिवायतें, रस्में दाखिल हो गई थी जो दूसरे अरब में नहीं थीं मसलन मक्के ही में नहीं थी हालाँकि वो भी अरब थे यहूद में यह परम्परा चली आ रही थी कि अगर कोई आदमी अपनी औरत के पीछे से मिलता है तो बच्चा भेंगा और अहवल पैदा होता है मतलब उसकी आंख का जाविया दुरुस्त नहीं होता भेंगा होता है ये बात चूंकि ये अहले किताब माने जाते थे और अरब के मश्रक ये ज़्यादातर पढ़ते लिखते नहीं थे जाहिल थे और इनको पहले किताब कहते थे लिहाजा उनकी बात का बहुत ज्यादा इतबार करते थे लिहाजा अनसार की औरतों में एक ही तरीका था मिलने का और वो ये कि औरत लेटी हो और औरत के ऊपर मर्द मिलाप तो कबुल में ही हो फर्ज में लेकिन रास्ता सामने से हो लेकिन मक्के के लोगों की आदत ये थी कि वो अपनी औरत को मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करते थे जब यहाँ महाजरीन ने अंसार की औरतों से शादी की तो उन्होंने उसी तरह से उनको इस्तेमाल करना शुरू किया तो अंसार की औरतों ने इनकार कर दिया कि अर्गिज़ नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि अल्लाह के रसूल से ना पूछ लें बड़े अजीब मसाइल पैदा हुए घर गर घर के मसाइल हो रहे हैं रसूल अगरम सल्ला वसलम से इन बातों का तस्करा हुआ कि इस तरह की परेशानी घरों में आ रही है और औरतें मर्दों की बात मानने के लिए तैयार नहीं अल्लाह रब्बुल से दुआ की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी आयत करीमा नाजिल हुई निसाक हरसकुम फ़ातु हर सकुम शिक्तु देखिए दो चीज़ें हैं बाज़ लोग अपनी खबीस आदत की सब तबीयत की व दिनात की वजह से खबासत उनकी नीयत में उनकी ज़िंदगी में उनकी सोच में भरी हुई है इसकी वजह से वो बजाए कुबल में हम बिस्तरी करने के उनकी दुबर में पाखाने के रास्ते में हम बिस्तरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम जैसा पाकिज़ा मज़हब इसकी इजाज़त कैसे दे सकता है नाजरीन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद इस मसले को फिर से हम आपके सामने रखेंगे अल्लाम वरहि वरक खैर मकदम है नाजरीन आपका इस्लाम में नौजवानों के जिनसी मसाइल के इस प्रोग्राम में एक बार फिर ब्रेक पर जाने से पहले हम तस्करा कर रहे थे इस बात का कि अरब के समाज में मदीने का समाज कुछ अलग था और मक्के का समाज कुछ अलग था मक्के के लोग अपनी औरतों को लिटाकर, बिठाकर टेढ़ा करके करवट से झुककर हर तरह से इस्तेमाल करते थे लेकिन मदीने के लोग इस सिलसिले में बड़े हसास थे यहूदियों के साथ मुआरत होने की वजह से वो सिर्फ़ एक ही तरीक़े से मुबाशरत की इजाज़त देते थे और उनकी औरतें इसके लिए बड़ी सख्त थीं। मक्के के लोगों की जब शादी मदीने की औरतों से हुई तो ये मसला बड़ा गंभीर हो गया ऐसे मौके पर अल्लाह रबुल्ज़त ने यह एहत करीमा नाज़िल फरमाई इसमें अब एक मसला खड़ा हो गया कि इसका माना क्या है एहत करीमा का शान नजूल की रोशनी में अगर देखेंगे तो माना सिर्फ़ इतना ही है कि औरत के लिए जो चीज़ अजीतनाक ना हो और औरत उसके लिए तैयार है तो आप उस तरीक़े से उससे जमा कर सकते हैं जमा के बहुत सारे तरीक़े कदीम हिंदुस्तानी तरीक़ इलाज उसमें एक हिस्सा जिन्स का जिसको कोक शास्त्र के नाम से जानते हैं चौरासी के करीब उन्होंने तरीक़े लिखे हैं औरत से मिलने के चौरासी आसनों से आप मिल सकते हैं आजकल के जमाने के जो डॉक्टर हैं जो तजर्बे की बुनियाद पर किसी चीज़ को ओके करते हैं उनमें से कुछ लोगों ने सिर्फ छः आसनों को ऐसा माना है जिससे आप औरत से मुखारबत कर सकते हैं और मिल सकते हैं इस्लाम की रूह से मुस्लिम मलमा ने इस सिलसिले में जो कुछ भी लिखा है तो तकरीबन 19 आसन ऐसे लिखे हैं उन्होंने जिससे औरत से आप मिलाप कर सकते हैं लेकिन ये सारे आसन चौरासी आसन हो छः तरीक़े हों या उन्नीस तरीक़े हों तमाम में रास्ता एक ही है और वो है कबल पाखाने का रास्ता नहीं उसके अलावा उसी में जमा किया जाएगा उसी की इजाज़त है इस्लाम में और अगर कोई आदमी किसी औरत के पाखाने के रास्ते में जिमा करता है तो इस्लाम में ये बहुत बड़ा जुर्म है बासफा के राम ने तो हुक्म ये दिया है कि उस औरत और मर्द के दरमियान फ़ौर जुदाई करा दी जाए बासफा ने कहा कि इनको सख्त सज़ा दी जाए बासफा ने कहा कि इनके ऊपर हद जारी की जाए जो शरीयत में मबाजी करने वालों की हद रखी गई है तफसीला तो बहुत हैं और हम तफसीलात में जाना नहीं चाहते मुख्तसरन ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम के किसी एक आलम ने एक फ़कीर ने एक महदस ने भी इजाज़त नहीं दी कि कोई आदमी औरत के पखाने की जगह में वो हम बिस्तरी करें एक आदमी ने भी इजाज़त नहीं दी सब ने इसको नाजायज और हराम ही बतलाया आज देखिए आज हम ऐसे ज़माने में जिंदा हैं जिस ज़माने में इस चीज़ का रिवाज ज़्यादा बढ़ रहा है मगरबी माशरत इंटरनेट की सहूलत मालूम जो हमारे नौजवानों को पहुँच रही है उसकी वजह से उनके न सिर्फ जमीर बदल रहे हैं उनके मिजाज बदल रहे हैं बल्कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ देखे बगैर अंधी तकलीद में पढ़ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उनकी अपनी ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी भी मुसीबत और परेशानी में पड़ती है एक लेडी डॉक्टर अगर वो अपनी ज़िंदगी के निायत ही ख़तरनाक वाक़े को आपके साथ शेयर करे और अपने तजर्बे को बतलाए और आपसे कहे मैं इस मुसीबत से गुजर चुकी हूँ आप इस मुसीबत में मत पड़िएगा तो आप क्या कहेंगे आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर पनेरी पिशपल एक नाम है एक ऐसी लेडी डॉक्टर का जो अपने पेशे में बहुत महारत रखती है उसका एक बॉयफ्रेंड है लोथर उन दोनों के साथ शादी हो जाती है और शादी के बाद वो इस लेडी डॉक्टर को बजाय इसके कि उसके आगे के रास्ते से जमा करे उसको पीछे के रास्ते से जमा करने पर मजबूर करता है वो मना करती है एक दिन दो दिन तीन दिन मोहब्बत बेानतहा करता है जिनसी जहनीत का आदमी है आखिर ये मजबूर हो गई और वो उससे पीछे के रास्ते में जमा करने लगा पहले दिन जब ये हुआ मामला तो उसकी चीख निकल गई बेहोश हो गई नाजुक अंदाम लड़की नई लड़की डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक बेहोश हो गई लेकिन वो बेहोशी के आलम में भी वो हैवान माना नहीं जब उसको होश आया तो उसने देखा कि काफ़ी मकदार में खून उसका बह चुका है बहरहाल चूके डॉक्टर थी अपने आप को उसने संभाला दवाएं इस्तेमाल करना शुरू की और फिर दूसरे दिन फिर उसने यही हरकत की तो दूसरे दिन पहले दिन से ज़्यादा तकलीफ़ हुई क्योंकि पहले दिन के जख्म भी भरे नहीं थे रफ्ता रफ्ता उसको कब्ज़ की कैफियत हो गई असल में ये कब्ज़ की कैफियत है नहीं चूँकि हमारा जिसम हमारा नब्बाज है हमारा डॉक्टर है जब उसका फजला निकलने से उसको तकलीफ़ हो रही है तो हमारी आते उसको रोके हुए हैं और इसकी वजह से उसको कब्ज़ हो गई कब्ज़ की दवा खाई जितनी उसने दवा खाई उतने ही ज़्यादा ये कब्ज़ बढ़ती रही और उसका वो जुनून भी बढ़ता रहा आखिर वर्म हो गया वर्म से फिर ज़ख़्म हो गया जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी तो उसने अपने साथी डॉक्टरों को चेक करने के लिए बुलाया जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि हालत तुम्हारी बहुत ख़राब है तुमको पहले वर्म हुआ था अगर तुम उसी वक्त इलाज कराती तो ठीक था तुमने इस पर तवज्जो नहीं दी ये ज़ख़्म हुआ और जख्म ने कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली वो तो डर गई बहरहाल एडमिट किया गया अस्पताल में तकरीबन आठ घंटे ऑपरेशन चला ऑपरेशन हो गया सात आठ महीने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर जाने के लायक हो गई लेकिन उस आदमी से उसने कथा ताल्लुक़ कर लिया ये एक लेडी डॉक्टर का तजर्बा है जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं खातिन के साथ ज़्यादती करते हैं ये जिनसी ज्यादती है ये बलात्कार से बड़ा जुर्म है ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी जितनी सज़ा दी जाए उतना कम है ये इगलामबाज़ी के शौकीन लोग दर हकीकत की अपनी तबीयत की खस्त व दिनात त और ख़ुरी पस्ती और अपनी तबीयत की खबासत की वजह से इस तरह के अमल के लिए तैयार होते हैं कुरान शरीफ़ की करीमा की मुखालफत करते हैं जिसमें जिक्र किया गया फ़ातु हर सको मन्नासी तुम कराम ने बहुत बारीक नुक्ता इसमें पेश फरमाया कहते हैं कि देखिए हर खेती खेती वो कहलाती है जहाँ बीज डाला जाए और वहाँ पर पौधा उगे लेकिन जाहिर है कि पीछे के रास्ते में यहाँ बीज डालने और पौधा उगाने की कोई सूरत नहीं है इसलिए यह हर्ष नहीं है और कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता जो लोग किसी भी औरत को पीछे के रास्ते से इस्तेमाल करते हैं वो तहक़ीक़त इस्लाम की मुखालफत करते हैं क़ुरान की मुखालफत करते हैं और शैतान की फर्मा बरदारी करते हैं अपने आप को और अपनी औरत को एक ऐसी अजीम मुसीबत में ढकेल देते हैं जिससे निकलना उनके लिए आम तौर पर आसान नहीं होता बाद लोगों ने एक और डॉक्टर की कहानी लिखी है एन आरवाचल वो अपना तजर्बा बयान करता है कि पता नहीं कैसे मेरी आदत पीछे के रास्ते से औरतों से जमा करने की पड़ गई और ये आदत इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं बग़ैर इसके चैन ही नहीं पाता था एक दिन मैंने देखा कि मेरे अजब तनासुल पे एक छोटा सा दाना हो गया उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की लेकिन वो दाना बढ़ के अब कई दाने हो गए उसमें सोलिंग आ गई इलाज के लिए जब मैं गया और इलाज शुरू हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता मेरा अज़ तनासल सूखने लगा सकड़ने लगा और फिर इंतहा ये हुई कि मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं किसी औरत से मुखारबत कर सकूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो डॉक्टरों के वो तजर्बात हैं ऐसे हज़ारों तजर्बात मौजूद हैं किताबों में लिखे हुए हैं इस्लाम ने जिस बात से रोका था मना किया था उसकी तस्दीक हो गई इस बात से रुकना बहुत जरूरी है और किसी भी औरत को पीछे के रास्ते से इस्तेमाल करना अपने आप को मुसीबत में डालना है उस औरत को भी मुसीबत में डालना है अल्लाह की नाफरमानी रसूल की नाफरमानी किसी को जेब नहीं देती और न किसी को सुख पहुँचा सकती है इससे हमेशा पीड़ा ही हासिल होगी और आदमी मुसीबतों और परेशानियों में घिरेगा लिहाजा चाहिए हमें आपको हमारे बच्चों को हमारे नौजवानों को कभी भी भूल कर भी ख्वाब में भी कभी इस रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश न ना करें नाजरीन यहाँ हम पहुँचते हैं अपने इस शुमारे के अख्ताम तक फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और ज़रूरी मसाइल के साथ तब तक के लिए अल्लाह व अल्लामक व वर वर्का